हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम आपके पास में लेके आए एक नया टॉपिक, एक नया आर्टिकल, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। बड़ा ही ये आर्टिकल है कि आपको फिनोल बनाना है, कैसे बनाना है, हमें किस मेथड से बनाना है। तो आंसर तो यहाँ पर आपके पास रहेगा, फिनोल बनाना है। पर बनाने किससे, हमारे पास फॉलोइंग मेथड्स कि फिनोल को बनाने के लिए फास्ट हमारे पास। फर्स्ट मेथड हमारे पास इक्वलाइज करते हैं किससे, हमारे पास भाई फ्रॉम एराइल सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम एराइल सल्फोनिक एसिड। फर्स्ट मेथड आपका ये है इस प्रकार से। सेकंड मेथड हमारे पास प्रिपरेशन है भाई फ्रॉम एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड। थर्ड मेथड हमारे पास है फ्रॉम गिबनार रिएजेंट, एंड फोर्थ मेथड है आपके पास किससे भाई, आपके पास फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम salt of salicylic acid। ये चार मेथड है जिनसे आप क्या करेंगे, बनाएंगे किसको भैया, फिनोल। फिनोल आपके पास है और किससे बनाना है, एराइल सल्फोनिक एसिड, एराइल हैलाइड्स और गिबनार रिएजेंट और डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड। चलो फर्स्ट मेथड हमारे पास है, इसको हम यूज करते हैं। फर्स्ट फ्रॉम एराइल एराइल सल्फोनिक एसिड। इसके अंदर एराइल सल्फोनिक एसिड में क्या रहेंगे भाई, किसके विद फ्यूजन एराइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये हो गया आपके पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। ठीक है, इसको किसके साथ किया, NaOH आपके पास, किसके साथ किया, NaOH के साथ बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फ्यूज Na फ्यूजन विद NaOH एट 573 केल्विन के ऊपर किया गया आपके पास। और क्या बन गया भाई आपके पास, ये H और ये OH किसमें निकल गया, H2O में, और बेंजीन के ऊपर क्या आ गया भाई हमारे पास SO3 और Na। ठीक है, आपके पास आ गया SO3 Na, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट हमारे पास। ठीक है, सल्फोनेट इसको दोबारा किया प्लस टूमोल ऑफ NaOH फ्यूजन विद किसके साथ, NaOH के साथ था, यहां भी किसके साथ है, NaOH के साथ। बाहर क्या निकल गया भाई हमारे पास, Na2CO3 क्या है, सोडियम किसके साथ करेगा, सल्फर के साथ। हमारे पास क्या निकल गया, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। बाहर क्या निकल गया, SO3। ठीक है, ये SO3 है, सॉरी यहां पे SO3 सोडियम सल्फेट और H2O, और आपके पास क्या बच गया भाई, बेंजीन और ऊपर बच गया OH। क्या बच गया आपके पास ऊपर OH, परंतु यहां तो क्या है हमारे पास, फ्यूजन इसके साथ लिया है, तो ये H की जगह क्या आएगा आपके पास, Na। कभी डायरेक्ट आप H लगा दो, H नहीं लगेगा हमारे पास। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड आयन, और इसको हमने क्या किया, अब यहां आपके पास ओ एन ए या आपके पास टूट सकता है किसमें, हाइड्रोलाइसिस में, क्या आपके पास किसके साथ किया, HCl। बाहर क्या निकल गया, NaCl, और आपके पास क्या बन गया, फिनोल, ये बन गया आपके पास फिनोल।
ये आपके पास कि भाई फ्रॉम एराइल सल्फोनिक एसिड से बेंजीन सल्फोनिक एसिड को फ्यूजन किया गया है NaOH के साथ, क्या है 573 केल्विन पे, तो आपका सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया। फिर दोबारा NaOH के साथ फ्यूज किया, फ्यूजन NaOH के साथ किया गया, Na2SO3 बार H2O बार सोडियम फिनोक्साइड आयन बन गया, फिर HCl के साथ क्या क्या बन गया, फिनोल। दैट इज योर फर्स्ट मेथड, किसे, फ्रॉम एराइल सल्फोनिक एसिड। क्लियर है यहाँ पे। सेकंड मेथड, सेकंड क्या कह रहा है हमारे पास, फ्रॉम एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, फ्रॉम एराइल हैलाइड की बात करते हैं तो ये इसको हम कहते हैं डाउ प्रोसेस। इसमें हम सेकंड प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाउज प्रोसेस। क्या कह रहा है आपके पास, ये डाउज प्रोसेस। भाई एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड है तो बेंजीन एलाइड हमारे पास Cl क्लोरोबेंजीन हो गया आपके पास। इसके साथ क्या, NaOH, NaOH के साथ किया एट 623 केल्विन टेम्परेचर पे, और आपके पास क्या बना देगा ये, इसका हमारे पास ये H किसमें चला जाएगा, इस Cl के साथ बाहर HCl, और ऊपर जो आपके पास बच गया क्या बच गया, ओ एन ए, क्या बच गया आपके पास, ओ एन ए। देखिए आ गया आपके पास सिंगल ऐसे कैसा, इसी स्टेप पे आ गए। अब इसको आप कर लीजिए हाइब्रिडाइजेशन, यानी एच पॉजिटिव के साथ, और आपके पास क्या बन गया, अब इसको करो या आप एच पॉजिटिव या आप ले लो एच सी एल, दोनों काम कर रहे हैं, तो बाहर एन ए सी एल और यहां क्या बच गया, ओ एच, फिनोल, क्या बच गया आपके पास, फिनोल। तो ये आपके पास सेकंड मेथड, आपके पास फ्रॉम एराइल हैलाइड क्या कहलाया, डो प्रोसेस, क्या कहलाया आपके पास, डोज प्रोसेस, यानी फिनोल इज ऑब्टेन्ड ए लार्ज स्केल, इस मेथड से ए लार्ज स्केल पे हम करते हैं बाय हीटिंग ऑफ क्लोरोबेंजीन विद किसके पास, 10% ऑफ NaOH के साथ, ठीक है। और आपके पास क्या क्या सॉल्यूशन, अबाउट 623 केल्विन टेंपरेचर एंड अंडर ए प्रेशर ऑफ 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो भाई इसने क्या टेंपरेचर दिया और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दिया, और आपके पास सेकंड इज योर फ्रॉम एराइल हैलाइड कंप्लीट। दिस टू रिएक्शन सीज हियर, यू कैन प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, इससे बनाया भाई एराइल सल्फोनिक एसिड, जिसको आपने बोला बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सेकंड आपने बचाया बेटा फ्रॉम एराइल हैलाइड, जिसको आपने बोला डाउ प्रोसेस। तो दीज आर द टू मेथड व्हिच कैन प्रिपेयर फ्रॉम अल्कोहल, सॉरी फिनोल। नेक्स्ट योर थर्ड इज ग्रिनार्ड रिएजेंट, यू कैन डू दिस टाइप आल्सो रिएक्शंस ऑफ ग्रिनार्ड रिएजेंट्स, क्या आप रिएक्शन कर चुके हो, ठीक है। ग्रिनार्ड रिएजेंट हमारे पास क्या है, थर्ड फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट की बात की तो हमारे पास क्या फिनाइल है, ये लीजिए एल्काइल की जगह हम कह रहे हैं फिनाइल MgBr, और रिएक्ट किया इसके साथ ऑक्सीडेशन किया हमारे पास हाफ O2 के साथ, ठीक है। इन द प्रेजेंस ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और आपके पास क्या बन गया भाई, बेंजीन O MgBr, क्या बन गया पास, फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और इसको क्या हमने H पॉजिटिव H2O के साथ, और आपके पास क्या बन गया, फिनोल OH, क्या बन गया, फिनोल, ये बन गया पास फिनोल। कहते हैं कि व्हेन ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड, जो हमारे पास ऑक्सीजन गैस बबल्ड होती है, थ्रू एन इथरनल सोल्यूशन ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू गिव फिनाइल ऑक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड हाइड्रोलाइसिस, क्या क्या बन गया, फिनोल। दैट इज योर थर्ड मेथड फ्रॉम ग्रिनार्ड रिएजेंट, एंड नाउ दैट इज योर फोर्थ मेथड। हमारे पास फोर्थ मेथड क्या कह रहा है कि फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ किस चीज का है, सोडियम सॉल्ट, फिनोल के अंदर रिएक्ट करता ऑब्टेन बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम किसके साथ, विद सोडा लाइम, विद किसके साथ, सोडा लाइम, हमारे पास सोडियम सैलिसिलेट। फोर्थ फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड,
तो भैया ये लीजिए आपके पास OH, ये तो फिनोल है हमारे पास, और ये हो गया COONA, क्या हो गया COONA, ये आपके पास हो गया सोडियम सल्फेट, हमारे पास सैलिसाइलेट, हमारे पास सोडियम सैलिसाइलेट, इसको किसके साथ किया, सोडा लाइम के साथ NaOH, NaOH, और आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में इसको किया हीट, ठीक है। अब ये NaOH रिएक्ट करेगा हमारे पास कहां करेगा भाई, इसको तो SH को तो तोड़ देगा, यहां पे जाएगा आपके पास H और OH, और आपके पास ये देखिए ये तो बन गया ONA। अब एक एनए ये रहा, एक एनए ये रहा, यहां से ये निकल गया हमारे पास, ठीक है, इसमें आ गया, तो आपके पास बाहर क्या निकल जाएगा भाई, Na2CO3, बाहर क्या निकल जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, जहां कार्बन डाइऑक्साइड हो बाहर निकल गया, ये होगा सोडियम पेरोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। अब सोडियम फिनोक्साइड आपके पास है, तो ये आपके पास पहले वाला मेथड आ गया यहां पे HCl के साथ, और क्या बन गया OH, बाहर क्या निकल गया NaCl। दीज फोर मेथड्स यू कैन प्रिपरेशन फ्रॉम फिनॉल, फ्रॉम एराइल सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम एराइल हैलाइड्स, फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट्स, फ्रॉम आपके पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम साल्ट। एक और मेथड हमारे पास फिफ्थ यूज कर लेते हैं, फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम। अब बेंजीन डाइएजोनियम जो क्लोराइड की बात करोगे या सोल्ट, हमारे पास हम लिखेंगे किससे, सोल्ट, फिफ्थ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, क्या काम इसमें, किसमें, कि बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की लिखते हैं, ये होगी बेंजीन, ये हो गया डाइएजोनियम, और ये हो गया क्लोराइड, ओके। इनको किया किसके साथ भाई, H2O के साथ, क्या बनाना था हमने, फिनोल, बन गया आपका मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या आपके पास फिनोल है, बन गया हमारे पास, बन गया। अब HBsCl भी है, HCl, और भाई यहाँ नाइट्रोजन है, इसमें निकल गई, तो ये बन गया आपका फिनोल। These are five methods you can prepare of phenol. First is your from aryl sulfonic, aryl halide, Grignard reagent, decarboxylation sodium salt. बड़े ही आसान है, बड़े इजी तरीके से आपको बता दिए गए, आगे तोड़िए, जहां पॉइंट लगे वहीं उसको तोड़ दे देगी आपके पास, ठीक है। ये आपके पास फाइव मेथड्स है जिससे आप क्या होते हैं, टू प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, दीज आर द फाइव मेथड्स। एंड नाउ अब हम बात करते हैं कमर्शियल प्रिपरेशन, अब हमारे पास सेकंड हमारे पास आती है बात कमर्शियल प्रिपरेशन, आपके पास कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल। अब हमारे पास कमर्शियल मेथड की बात आ गई यहां पे, तो उसमें फर्स्ट मेथड आपके पास लाइज होता है फ्रॉम क्यूमेन, फर्स्ट मेथड फ्रॉम क्यूमिन, सेकेंड मेथड एक क्यूमिन से बनाएंगे, सेकेंड हमारे पास फ्रॉम बेंजीन, फ्रॉम बेंजीन बोला इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं रेसिंग प्रोसेस, सेकेंड इज ऑवर रेसिंग प्रोसेस, ठीक है। आपके पास दो मेथड है हमारे पास बनाने के लिए, किसको, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल।
चलिए पहली बात कर लेते क्यूमीन। क्यूमीन हमारे पास डायरेक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट बनाया जाता है किससे, बेंजीन से बनाई जाती है बच्चों। किससे बनाई जाती है, बेंजीन। फर्स्ट हमारे पास ये बेंजीन ले लिया, हमारे पास फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, हमारे पास किससे क्या हमने कि क्यूमीन क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन होती है, वो किससे प्रिपेयर है, फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन मेथड से। और हमने इसको किसके साथ किया भाई, प्रोपीन के साथ किया, CH3CHCH2 एंड टू फॉर्मेशन ऑफ, ये आपकी रिएक्शन अगर बेंजीन करे तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन क्या बन गई, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन ये आपके पास बन गई, CH CH3 और CH3, ये बढ़ गया क्यूमीन। अब ये अपने आप रिएक्ट तो नहीं हुआ, यहां पे कैटलिस्ट यूज हुआ है हमारे पास, ठीक है। और वो कैटलिस्ट कौन सा हुआ है हमारे पास, जिसमें फॉस्फोरिक एसिड, या हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड या एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड हमारे पास, ठीक है। ये आपके पास हो गया फॉस्फोरिक एसिड और एल्युमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में प्रोपीन ने बेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, क्यूमीन, क्लियर। अब इस क्यूमीन से हम क्या बनाएंगे बेटा, इसमें एयर या ओ टू हमने पास किया एयर, तो वो इसमें ऑक्सीडेशन हुआ तो उसमें जुड़ जाएगा हमारे पास, किसमें, इसके अंदर जुड़ जाएगा आपके पास, क्या बन जाएगा, बेंजीन CH3CH3OOH। देखो इस पे हमारे पास कार्बन है, वीक हमारे पास बीटा पोजीशन पे एक कार्बन जुड़ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसको दोबारा हमने किया किसके साथ, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड करते ही आपके पास क्या जाएगा, फिनोल बन जाएगा, हमारे पास क्या है, प्रोपेनोन बाहर चला जाएगा, क्या बन गया, फिनोल। अब देखो बच गया क्या, CH3 बच गया, इसका क्या बच गया, एक ये O और CH3 CO, तीन बच गया CO, हमारे पास एक तीन बच गया CO, OH तो यहां हो जाएगा CH3 CO CH3, जिसको आप लिखते हो इस प्रकार से, प्रोपेनॉन और ये बन गया फिनोल। दैट इज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम क्यूमीन यू कैन प्रिपेयर ऑफ फिनोल, कमर्शियल मेथड प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, ठीक है। सेकंड हमारे पास कहता है कि मेथड इन्वॉल्व होता है हमारे पास रेसिन, सेकंड रेसिन मेथड, इसके अंदर हमारे पास रेसिन मेथड क्या होते हैं कि बेंजीन हमारे पास होती है, आपके पास रिएक्ट करते हैं, क्या करते हैं कि वेपर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होते हैं पास्ट होते हैं किसके अंदर, और बेंजीन एट 500 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है, कि वेपर्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज पास थ्रू बेंजीन एट 500 केल्विन टेम्परेचर पे इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड, ये बात लिख देते हैं, ठीक है। बेंजीन में ये आपके पास बेंजीन हो गई, क्या हुआ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के वेपर्स, एयर वेपर्स में हमारे पास O2 आ, ठीक है, एयर है ये हमारे पास, और इन द प्रेजेंस बोला है कैल्शियम क्लोराइड या फेरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में आपके पास क्या बनाता है, ये हमारे पास क्लोरोबेंजीन, क्या बनाता है आपके पास, ये क्लोरोबेंजीन, कहां, एट 500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। बाहर आपके पास क्या निकल जाएगा, जो भी चीज इसमें जाए, हमारे पास सबको पता है भाई HBr OBr HCl तो लग गया, तो बाहर क्या निकल गया, यहां लिख दो H2, क्या निकल गया बाहर, H2, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन आया, इसको रिएक्ट किया है H2O के साथ, ओके, किस पे, इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका SiO2, इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका SiO2 एट 800 केल्विन, और आपने क्या बना दिया, OH बार HCl, फिनोल, क्या बन गया आपके पास,
ये बन गया आपके पास फिनोल। दीज आर टू मेथड या दीज आर द फाइव मेथड दीज हियर है, यू कैन प्रिपेयर ऑफ इस चीज को बना रहे हो फिनोल को, एंड दीज आर द टू अनदर मेथड कमर्शियली मेथड व्हिच कैन बी यूज्ड टू प्रिपरेशन ऑफ दिस, इस चीज को हमारे पास ये। अब इनमें बात ये आती है कि भाई हमारे पास जो ये होते हैं यूजेस क्या आते हैं कि भाई फिनोल का यूज कहाँ होता है हमारे पास, ये एंटी पावरफुल एंटीसेप्टिक्स होते हैं जो सॉप्स के अंदर हो या लोकेशंस में एक्सेट्रा में यूज होती है। और फिनोल का यूज होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसके अंदर, हमारे पास डीडीटी, ठीक है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आपके पास हर्बिसाइड्स होती है सच एज 2,4-D या जर्मिसाइड सच एज TCP, ये तो हमारे पास यूज होते हैं। मैं थोड़ा स्ट्रक्चर बना देता हूं आपके पास, दे कैन बी यूज आपके पास, दीज आर द टू स्ट्रक्चर्स यूज इन आपके पास होते हैं हर्बिसाइड्स में, लाइक एज आपके पास वो किस प्रकार के है 2,4-D हमारे पास, ठीक है, एंड ग्रेमिसाइड्स, ठीक है, जिसको बोलते हो TCP आप, इन दोनों के स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं। आपके पास बेंजीन है OH, ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे, क्या जुड़ गया, क्लोरो जुड़ गया, 2,4-6 ट्राइक्लोरोफिनोल, 2,1,2,3,4,5,6 2,4,6 ट्राइक्लोरो और ये बच गया आपका फिनोल, ओके, इसी को बोला हमारे पास TCP, ट्राइक्लोरोफिनोल, क्या नाम इसका, ट्राइक्लोरोफिनोल। नेक्स्ट आपके पास है 2,4-D, ये लीजिए हमारे पास बेंजीन हो गया, और सीधी सी वही बात हमारे पास कि एक क्लोरो एक ओ, और यहां से जो एच था उसको हटा दिया गया भाई, किसके द्वारा, हमारे पास एसिडिक एसिड के द्वारा, CH2COOH, ठीक है, एसिडिक एसिड के द्वारा एक एच और एक एच एच टू में निकल गया हमारे पास 2,4-dichloro-phenoxy 2,4-dichloro-phenoxy हमारे पास क्या हो गया, इथेनोइड एसिड, टू फोर डाइक्लोरोफिनोक्सी इथेनोइड एसिड, ठीक है, या हमने 2,4-di ये डी लिख दिया, ठीक है, डी का मतलब हमारे पास क्या हो गया यहां पे कि भाई डाइक्लोरोफिनोक्सी इथेन है भाई एसिड, ये हमारे पास यूज होते हैं। अगर और इनकी बात करते हैं, इनका मैन्युफैक्चर जो ड्रग्स होते हैं हमारे पास सैलिसिलिक एल्डिहाइड एस्पिरिन है सेलोल है एटसेट्रा हमारे पास यहां पे यूज होते हैं, ठीक है, ये आपके पास होता है कि भाई आपके पास एज ए प्रिजर्वेटिव फॉर इंक, फिनोल का यूज होता है एज ए प्रिजर्वेटिव ऑफ फिंक, दीज आर द सम ऑफ द यूज व्हिच फिनोल व्हिच कैन बी यूज इन योर हमारे पास डेली लाइफ या हमारे पास इंडस्ट्रीज, कोई भी कह सकते हो, कहीं भी हम इनका यूज कर सकते हैं कि भाई फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल जो सॉल्वेंट होता है फॉर रबर के लिए होता है हमारे पास, तो ये आपके पास कुछ थे। और आपके पास पहले ही आप इस वीडियो में आपने देखा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, इनको देखिए आसान तरीके से, इनसे आसान तरीका आपके पास बड़े ही इजी है, बी हैप्पी खुश रहकर आराम से फ्री माइंड होके सारे आपके पास। सेकेंड मेथड आपका कमर्शियल था जिसमें आपने किससे मेथड बनाया हमारे पास क्यूमेन से और रेशिंग मेथड से, ठीक है, कभी कभी डॉ प्रोसेस को हम कमर्शियल में लिख देते हैं जो हमारे पास है, ठीक है, थैंक यू।